देखिए मैं कितना परफेक्ट डोसा बना हुआ है। श्याम दोस्तों, बानी के रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं साउथ की फेमस रेसिपी मसाला डोसा और नारियल चटनी बनाई हूँ। इसको कैसे बनाते हैं चलिए हम आपको दिखाते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस तरह से आप पूरा फॉलो करके आप डोसा बनाइएगा तो यकीन मानिए आपका डोसा पूरा परफेक्ट रेस्टोरेंट जैसे बनेंगे। तो आप लोग भी अपने घर पे बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। चलिए हम आपको डोसा बन का पैटर्न बनाना दिखाते हैं। तो ये देखिए मैंने रात को ही भिजो दिया था 2 कटोरी चावल और उससे मैं उसी कटोरी से 1 कटोरी दाल और उसी कटोरी से आधी कटोरी चना दाल। आपका मेजरमेंट एकदम सही होना चाहिए तभी आपका डोसा परफेक्ट बनेगा। ये देखिए मेरा पैटर्न रेडी हो गया है और अब मैंने ओवरनाइट भिगा के रखा था। तो चलिए हम मैं इसको मिक्सर में थोड़ा थोड़ा करके इसको ग्रेट कर लूँगी। मैंने सारा पैटर्न को मिक्सर में ग्रेट कर लिया है और पैटर्न का थिकनेस आप इस तरह से ही रखिएगा और इसको मैं ढक के 4 से 5 घंटे के लिए रख दूंगी। चलिए हम अपना पैटर्न को चेक कर लेते हैं। तो देखिए मेरा पैटर्न एकदम रेडी है और मैंने 5 घंटा इसको रख दिया था और देख सकते हैं कि मेरा पैटर्न पूरा फ्लफी हो गया है और एकदम तैयार हो गया है मेरा पैटर्न। मसाला डोसा मैं बनाने वाली हूँ तो इसके लिए मैं सबसे पहले आलू का स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। तो ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया और इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा राई, काला सरसों और इसमें डाल दूंगी मैं कड़ी पत्ता, डाल दूंगी कच्ची मिर्ची और एक प्याज काट के रखती हूँ उसको भी डाल दूंगी। प्याज को मैं हल्का सा फ्राई कर लूंगी। प्याज हल्का सा फ्राई हो गया है तो इसमें मैं डाल दूंगी एक टमाटर, इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक, कुछ मसाले, थोड़ा सा मैं हल्दी पूरा दे रही हूँ एकदम थोड़ा सा ही और थोड़ा सा मैं जीरा पाउडर दूंगी और थोड़ा सा गरम मसाला। देखिए मेरे प्याज टमाटर और मसाले भी थोड़े फ्राई हो गए हैं तो इसमें मैं डाल दूंगी, ये मैंने बॉईल करके आलू रखा था उसको मैं डाल दूंगी और इसमें मैं थोड़ा सा हरी मटर डाल दूंगी। ये देखिए मेरा पैटर्न रेडी हो गया है और इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा पीनट्स और इसको देख के मैं मिला दूंगी। डोसा का साथ ही मेन आता है उसका चटनी, तो उसका साथ नारियल चटनी बहुत फेमस है। तो चलिए मैं नारियल चटनी बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने एक नारियल ले लिया है, उसको मैंने धो के छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं और इसमें मैं डाल दूंगी कच्ची मिर्ची, इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा पीनट्स और ये रोस्टेड चना की दाल है उसको मैंने धो के रखा था उसको मैं डाल दूंगी। इसमें मैं डाल दूंगी एकदम थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और इसमें नमक डालूंगी, सफेद नमक, थोड़ा सा काला नमक और चीनी, चम्मच शक्कर में चीनी डालूंगी इसमें और इन सबको मैं मिक्सर में ग्रेट कर लूंगी। ये देखिए मैंने सारी चीजों को ग्रेट कर लिया है और इसमें मैं साउथ इंडियन फ्लेवर देने के लिए इसमें मैं तड़का डालूंगी। चलिए इसका तड़का लगाते हैं। तड़का के लिए मैं तेल गर्म कर लिया है और इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा राई, कड़ी पत्ते, सूखी मिर्ची। फिर तड़का मारते हैं तो इसमें मैं फिर डाल दूंगी चटनी में। देखिए साउथ इंडियन नारियल की चटनी बनके रेडी है। तो चलिए अब हम डोसा बनाते हैं। चलिए डोसा बनाते हैं। तो डोसा बनाने के लिए मैंने डोसा का पैन चढ़ा दिया और मैंने पैन गर्म हो गया है और इसको मैं तेल से ग्रीस कर ली हूँ तवे को और इसमें मैं पैटर्न डाल दूंगी। इसको हल्के हाथों से इसी करछुल से मैं इसको चलाऊंगी। ये देखिए मेरा डोसा पूरा परफेक्ट पूरा तवे पे राउंड हो गया है और इसमें मैं हल्का सा तेल डाल दूंगी।
और ये मसाला डोसा है, इसमें मैं डालूंगी आलू का स्टफिंग। आलू को डाल दिया, इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी कड़ी पत्ते और थोड़ा सा नारियल क्रश किया हुआ। देखिए मेरा कितना क्रिस्पी डोसा बना है, और आप लोग भी इस तरह से पूरा बनाइएगा तो आपको भी रेस्टोरेंट जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बच्चे बड़े सभी इसको पसंद से खाते हैं।